नर्मदा मैया की सदगुरुदेव भगवान की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की मंचस्थ अर्चनी बंदिनी सभी संत वृंद प्रांत के यशस्वी और ऊर्जावान सम्माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और उनके सभी सहयोगीगण, समय या भाव के कारण मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, सबको देख रहा हूं ना, और उसी से हाँ, और सब भक्त वृंद सज्जनों, महर्षि जावाल की ये पावन नगरी, भगवान राम की रमण स्थली और विनोबा जी की ये संस्कारधारी, महाकौशल की राजधानी जावालपुरम में नर्मदा गोट कुंभ के पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये छठवां कुंभ है, लेकिन इस बार कुछ है नए प्रयोग हुए, उन्हीं में कहे कि प्रथम बार प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इस कुंभ में शामिल हो रहा है। शासन की ओर से बड़ा खुल करके सहयोग पहले भी मिलता रहा जिनका भी शासन रहा, पर जितना सहयोग इस बार कमलनाथ सरकार ने इस कुंभ को सफल बनाने में दिया है, ऐसा सहयोग इसके पूर्व नहीं मिला। और हम आगे आशा करते हैं कि इनकी सरकार या जो भी और भी सरकारें आएंगी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को आदर्श मानेंगी और इस प्रकार का सहयोग देते रहेंगी। जबलपुर को अपेक्षित विकास नहीं मिला, ऐसे तो जबलपुर कहते एक कवि की बात है कि नर्मदा के तीर तीर नगर तो अनेक है, नगरी जावाल की दुनिया में एक है, नगरी जावाल की दुनिया में एक है। और इसको इसके बड़े इतिहास हैं, यहाँ ओशो और अभी वर्तमान में ओशो और महर्षि जैसे लोग प्रकट हुए। प्रथम वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी है ये, बहुत बातें हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि तरुण भानोट जी ने जो बहुत दिल से और सहयोग दिया, और यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस, नगर प्रशासन सब ने इसको अपना मिशन मान करके इसको और मुख्यमंत्री की प्रेरणा मान करके अब बहुत अच्छा, नहीं कहीं पर कोई गंदगी नहीं है। मुझे स्मरण आता है पिछले वर्ष तीर्थराज प्रयाग का जो महाकुंभ हुआ था और बहुत बड़ा था, उसकी तुलना में छोटा है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से एक कम नहीं है। जितनी स्वच्छता हाँ योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा बना के रखा था, वैसे ही इस नर्मदा कुंभ को कमलनाथ जी ने भी स्थापित करके रखा है। और हम चाहते हैं कि नगर पूरे प्रांत को एक नई दिशा मिलेगी, और जैसा छिंदवाड़ा का विकास कमलनाथ जी ने किया है, मैंने देखा, मैं जाता रहता हूं, मेरे बहुत शिष्य हैं वहां, तो हम चाहते हैं कि वे पूरे प्रदेश को उसी तरह से विकसित करें। और ये भनोट को भी सौंपे कि जबलपुर को छिंदवाड़ा से भी अधिक अच्छा विकसित कर सके, और इसके लिए उनको बहुत हम धन्यवाद देंगे। और समस्त राजनीतिक दलों से भी मेरी प्रार्थना है कि ईर्ष्या नहीं, स्वस्थ स्पर्धा का भाव रखें। जो कमलनाथ जी कर रहे हैं, इनकी सरकार कर रही है, आप उससे बढ़ करके और अच्छा काम करके दिखाएं, और नगर का विकास सब लोग मिलकर के प्रांत का विकास करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं कमलनाथ जी से जबलपुर के विकास के लिए, और इस नर्मदा गोकुंभ के लिए और भी आगे सहयोग ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। इन्हीं के साथ मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबको भी मंगल कामना व्यक्त करते हुए संत चरणों में नमन करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूं।
बहुत बहुत प्रणाम पूज गुरुदेव, भगवान का पावन मार्गदर्शन आशीर्वाद हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को।